हेलो फ्रेंड्स माय नेम इज डॉक्टर राजीव एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल मेडिकल नर्ड टुडे वी विल लर्न अबाउट द रेगुलेशन ऑफ द हार्ट बीट आज हम जानेंगे कि हार्ट बीट कैसे कंट्रोल होती है कौन से वो न्यूरल फैक्टर्स हैं कौन से हार्मोनल फैक्टर्स हैं और कौन से वो रिफ्लेक्सेस हैं विच हेल्प्स इन द रेगुलेशन ऑफ द हार्ट बीट ये सब हम जानेंगे इसी वीडियो में तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना तो सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूरल कंट्रोल कैसे होता है न्यूरल कंट्रोल ऑफ हार्ट बीट कैसे होता है सो so, इट इज मेनली बाई द सिंपेथेटिक एंड पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम तो सिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम कैसे काम करता है सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम जो है ये मैंने प्लस मार्क बताया इट मीन्स इट इज़ कार्डियो एक्सीटरी टू द हार्ट रेट कार्डियो एक्सीटरी का मतलब है जो कि हार्ट बीट को बढ़ाएगा और पैरासिम्पेथेटिक कंट्रोल जो है वो क्या करेगा पैरासिम्पेथेटिक कंट्रोल जो है हमारा दैट इज़ कार्डियो इन्बिटरी इट मीन्स डैट ये इन्हीशन करता है हार्ट रेट का ठीक है इसको जानने से पहले कुछ टर्म्स हैं दैट मस्ट बी वेरी क्लियर टू यू सबसे पहला होता है क्रोनोट्रोपिक एक्शन क्रोनोट्रोपिक एक्शन का मतलब है कि इंक्रीज द हार्ट रेट क्रोनोट्रोपिक एक्शन जब भी होता है तो हार्ट रेट इंक्रीज़ होते हैं आइनोट्रोपिक एक्शन का मतलब होता है कि इंक्रीज इन द फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन मतलब जो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है हार्ट की वो बढ़ती है और तीसरा है ड्रोमोट्रोपिक एक्शन ये जो होता है इट मीन्स कंडक्शन स्पीड जो है इम्पल्स की हार्ट में जैसे एससेनोड से ए बी की तरफ जो इम्पल्स है वो फास्ट जाएगा और वो फास्ट जाएगा तो हार्ट रेट जो है वो बढ़ेगी ठीक है और उसकी कंडक्शन स्पीड भी बढ़ेगी तो यहाँ से हमने ये पता लगाया कि सिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो है कार्डियो एक्सलरेटरी और पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम जो है ये है कार्डियो इनहिबिटरी मतलब ये इनहिबिशन करता है हार्ट रेट का ठीक है हम आगे जानेंगे कि सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम कैसे काम करता है सो दिस इज द सिंपेथेटिक नर्व कंट्रोल ये कैसे होता है देखिए स्पाइनल कोड में जो है वो सिंपेथेटिक ट्रंक की फॉर्मेशन होती है बिच रन फ्रॉम टी वन टू टी फोर ठीक है टी वन टी टी टू टी थ्री फोर से जो स्पाइनल नर्व हैं ये स्पाइनल नर्व फाइबर जो हैं वो ये मैंने बताया हुआ है ये है गेंगलिया ठीक है ये गेंग्लिया है ठीक है गेंगलिया जो है दैट इज़ द अकम्यूनेशन ऑफ द बॉडीज विच बॉडीज सेल बॉडीज ठीक है सेल बॉडीज जब इकट्ठी हो जाती हैं तो उनको हम गैंगलिया कहते हैं और वो कंट्रोल करते हैं इसको किसको कंट्रोल करते हैं वो आगे की नर्व्स की जो कंडक्शन है उसको कंट्रोल करते हैं तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जैसा मैंने यहाँ पे बनाया है दीज आर प्री गैंगलियोनिक नर्व फाइबर्स ये आपको दिख रहे होंगे ठीक है, प्री गैंगलियोनिक नर्व फाइबर्स क्योंकि ये गैंगलिया तक जा रहे हैं और उससे पीछे हैं, तो ये प्री गैंगलियोनिक नर्व फाइबर्स हुए हमारे पास ठीक है द नेक्स्ट इज गैंगलिया से जो नर्व फाइबर्स निकलेंगे उनको क्या बोल देंगे हम पोस्ट गैंगलियोनिक नर्व फाइबर्स ये कहाँ जाके स्नेप्सिस बनाएंगे ये स्नेप्सिस बनाते हैं हमारे एस नोड और एबी नोड को भी सप्लाई करते हैं तो पोस्ट गैंगलियोनिक नर्व फाइबर जो हैं वो अल्टीमेटली सप्लाई कर रहे हैं एस नोड और एबी नोड को और ये क्या करेंगे क्योंकि ये सिम्पेथेटिक नर्वस कंट्रोल है तो मैंने जैसे आपको बताया था कि ये एक्शन करेंगे या तो ये क्रोनोट्रोपिक एक्शन करेंगे आइनोट्रोपिक एक्शन करेंगे और ड्रोमोट्रोपिक एक्शन करेंगे इट मीन्स दैट दीज आर कार्डियो एक्सलरेटरी टू द हार्ट और ये क्रोनोट्रोपिक एक्शन करेंगे तो ऑबियसली ये हार्ट रेट को बढ़ा देते हैं ठीक है तो इस डायग्राम में देखिए ये बताया हुआ है दिस इज द सिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम का ये पार्ट है दिस वन ठीक है तो ये ट्रंक फॉर्मेशन हुई दिस इज द सिंपेथेटिक ट्रंक जिसमें बताया है ठीक है अब यहां से फाइबर जो है वो गैंगलिय तक गए ठीक है वो ganglia से पोस्ट गैंगलियोनिक फाइबर जो है वो अल्टीमेटली कर रहे हैं और नोड के साथ और एक्शन क्या होगा इसका कार्डियो एक्सलरेटरी एक्शन होगा ठीक है द नेक्स्ट वन इज द पैरासिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम पैरासिंपेथेटिक नर्व सिस्टम में मेनली हमारे पास आता है कौन सी राइट बेगस और लेफ्ट बेगस मतलब बेगस की राइट और लेफ्ट ब्रांच सो लेफ्ट एंड राइट ब्रांच जो है वो क्या है बेगस क्या है नर्व है तो उ, उससे नर्व फाइबर्स आएंगे निकलेगी कहाँ से वो ओरिजिनेट होती है मेडुला ओब्लोंगेटा से ठीक है थोड़ा सा डिफरेंस है अब ये राइट और लेफ्ट बेग ब्रांच है ये ठीक है वहाँ से नर्व फाइबर्स आएंगे ठीक है तो गैंग्लिया से पहले जो होंगे उनको हम बोल देंगे प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर्स ठीक है और गैंग्लिया के बाहर जो आएंगे उसके बाद जो आएंगे नर्व फाइबर्स जो रन करेंगे उनको हम बोल देंगे पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर्स इट इज लाइक द सेम ये वैसा अब देखिए इन दोनों में डिफरेंस ये था कि वहां पे गैंगलियोन जो थे वो कैसा था अभी ये अभी यहाँ से आपको क्लियर होगा देखिए यहाँ थे गैंगलिया थे वो कहाँ पे थे दे आर पैरेबर्टेब्रल गैंगलिया ठीक है तो वहां से फिर पोस्ट गैंगलियोनिक नर्व फाइबर गए थे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये गैंगलिया जो हैं है सो दिस इज पैराबर्टेब्रल गैंगलिया तो ये यहाँ पे थे अब उसमें नेक्स्ट सेक्शन में मैं आपको बताता हूँ कि वो वहां कहाँ पे हैं ठीक यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे गैंगलिया जो हैं वो कहाँ पे हैं वो इन इन द हार्ट हैं कार्डियक प्लेक्सिस के अंदर ही गैंगलिया जो हैं वो मौजूद इस देयर ठीक है तो पोस्ट गैंगलियोनिक नर्व फाइबर जो कि प्लेक्सिस के अंदर ही रहते हैं तो इनको हम बोलेंगे पोस्ट गैंगलियोनिक नर्व फाइबर्स और ये साइनेप्स करते हैं फिर एस से नोड और ए बी नोड के साथ होपफुली ये क्लियर हो गया होगा ठीक है अब इनका नेट इफेक्ट क्या होगा इनका नेट इफेक्ट देखिए आप पीछे जाइए इनका नेट इफेक्ट होगा नेगेटिव देखिए पैरासिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम क्या कर रहा है कार्डियो इनहिबिटरी है तो ये क्या होंगे नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक एक्शन हो जाएगा ठीक है एक होगा नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक एक्शन नेगेटिव आइनोट्रोपिक एक्शन होगा और नेगेटिव ड्रोमोट्रोपिक एक्शन होगा बोलने का मतलब ये है कि दे वर्क एज कार्डियो इनहिबिटरी नर्व फाइबर्स ठीक है अब इसमें हम बात करते हैं कि इनमें न्यूरो कौन कौन से रहते हैं यहाँ पे देखिए यहाँ पे न्यूरो जो है वो एड्रेन और होता है इसलिए इसको हम बोलते हैं एड्रीनर्जिक नर्वस सिस्टम और ये रिसेप्टर्स अल्फा और बीटा ये रहते हैं कार्डियक में ठीक है ये हार्ट में रिसेप्टर्स रहते हैं अल्फा और बीटा रिसेप्टर्स ठीक है तो न्यूरो जो हैं वो कहाँ पे सप्लाई करेंगे न्यूरो जब स्नेप्सिस बनेगी ऐसे स्नेप्सिस बनेगी तो यहाँ पे सेल कार्डिक सेल है उसके अंदर ये अल्फा और बीटा रिसेप्टर्स रहते हैं और न्यूरो होता है यहाँ पे एड्रेनेलिन और नॉर एडरी और इसका नेक्ट इफेक्ट हो जाएगा हमारे पास कार्डियो एक्सलरेटरी पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम में ठीक है अब पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या होगा वैसे ही होगा लेकिन यहाँ पे न्यूरो जो है हमारे पास आ गया एसिटाइल कोलिन सो so, हेयर न्यूरो ट्रांसमीटर इज एसिटाइल कोलिन तो इसको हम बोल देते हैं कोलिनर्जिक सिस्टम ठीक है और इसमें रिसेप्टर्स वैसे ही कार्डियक सेल्स में रहेंगे और यहाँ पे होंगे मस्कैरिनिक एम टू टाइप रिसेप्टर्स जो किसको रिस्पोंड करेंगे एसिटाइल कोलिन को और नेट इफेक्ट क्या होगा इफेक्ट नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक एक्शन ठीक है और नेगेटिव आइनोट्रोपिक एक्शन और नेगेटिव ड्रोमोट्रोपिक एक्शन बोलने का मतलब है कि कार्डियो इनहेबिटरी एक्शन होता है पैरासिंथेटिक नर्वस सिस्टम का नेक्स्ट हम बात करेंगे कंट्रोल देखो हार्मोनल कंट्रोल में मेनली जो है वो एड्रीनलिन आता है जैसा कि आपको पता है कि ये फाइट और फ्लाइट मतलब जब भी आप स्ट्रेसफुल कंडीशन में होते हैं उस टाइम एड्रीनलिन काम करता है और एड्रीनलिन का क्या काम होगा इट इज़ कार्डियो एक्सलेटरी एक्शन होगा कार्डियो एक्सेलेटरी एक्शन हमें पीछे पता है कि पॉजिटिव क्रोनोट्रॉपिक एक्शन होगा मतलब हार्ट रेट से हम इसको कंपेयर कर रहे हैं तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि क्रोनोट्रॉपिक एक्शन का मतलब होगा कि हार्ट रेट को इनक्रीज कर देगा कौन सा हॉर्मोन एड्रीनलिन हॉर्मोन वैसे ही थायराइड हार्मोन है ठीक है टी और टी ये भी जो है वो मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज करते हैं और हार्ट रेट को इंक्रीज करते हैं सो ऑल इन नट सेल दे आर ऑल्सो कार्डियो एक्सलरेट्री ठीक है दस नेक्स्ट सेक्शन अब हम बात करेंगे जो मैंने बोला था कि रिफ्लेक्सिस होते हैं तो हमारे पास पहला रिफ्लेक्स आ गया बेन ब्रीज रिफ्लेक्स इसमें क्या होगा कि बेनस रिटर्न इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ठीक है तो बीनस रिटर्न अगर ज्यादा होगी ठीक है तो बेन्स कहाँ लाती हैं ब्लड को एम में लाती हैं राइट में लाती हैं ठीक है, है? जैसा कि आपको प्रीवियस वीडियोस में मैंने बताया था तो अगर बीनस रिटर्न बढ़ जाएगी तो राइट एट्रियम में प्रेशर भी है वो बढ़ जाएगा ठीक है तो उससे क्या होगा स्ट्रेच रिसेप्टर्स जो हैं उस प्रेशर को सेंस करेंगे स्ट्रेच रिसेप्टर्स और क्या होगा एफरेंट नर्व फाइबर्स ठीक है एफरेंट नर्व फाइबर्स वो सिग्नल देंगे ब्रेन को ठीक है ब्रेन में क्या होता है कार्डियक कंट्रोल सेंटर होता है ठीक है एक तो हमारे पास बेजो मोटर सेंटर हो गया अब बेजो मोटर सेंटर यहाँ पे क्या करेगा ठीक है बेसोमोटर सेंटर जो है वो सिंपेथेटिक आउटफ्लो को कम कर देगा सिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम का क्या काम था वो कार्डियो एक्सलरेटरी था ना ठीक है तो वो क्या करेगा यहाँ वीनस रिटर्न इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हार्ट रेट ठीक है अब वीनस रिटर्न ज्यादा हो गई तो क्या होगा कि सिंपेथेटिक आउटफ्लो को ये बढ़ा देगा कम नहीं करेगा ये कंट्रोल सिंपेथेटिक ट्रंक जो है वो भी बेसो सेंटर जो है वो उसको कंट्रोल कर रहा है और वो बिनस रिटर्न से स्ट्रेच रिसेप्टर जो है वो एफरेंट सिग्नल भेज रहे हैं कि जो प्रेशर है वो बढ़ गया है स्ट्रेच से वजह से वो प्रेशर सेंस हुआ तो बेजो मोटर सेंटर्स जो है वो सिंपेथेटिक ट्रंक को बताएंगे कि प्रेशर ज़्यादा है सो so, सिंपेथेटिक ट्रंक जो है फ्लो को आउट फ्लो को बढ़ा देगा और अल्टीमेटली क्या होगा हार्ट रेट जो है वो बढ़ जाएगी इस तरह से और क्या काम करेगा रोड कंट्रोल सेंटर ये डिक्रीज कर देगा बेगल टोन को बेगल टोन क्या था बेगस जो है वो पैरासिम्पेथेटिक नर्व सिस्टम के अंडर आ रही है और वो क्या कर रही है वो है दैट इज हैविंग कार्डियो इनहेबिटरी इन्फ्लुएंस ऑन द हार्ट तो वो क्या करेगी अल्टीमेटली अगर बेगर टोन कम हो गई मतलब पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम का काम जो है वो कम हो जाएगा ठीक है उसकी इन्फ्लुएंस कम हो जाएगी तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा हार्ट रेट जो है वो बढ़ जाएगी क्योंकि पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम का काम था नेगेटिव मतलब कार्डियो इनहिबिटरी ठीक रिफ्लेक्स तो बेन ब्रिज रिफ्लेक्स जो है वो ऐसे काम करता है अब नेक्स्ट क्या है नेक्स्ट है हमारे पास मरेज ला मरेज ला क्या है ये भी एक रिफ्लेक्स है मरेज रिफ्लेक्स भी बोल सकते हैं मीन्स ब्लड प्रेशर इज इनवर्सली प्रपोर्शनल टू हार्ट रेट अब यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे ऐसा होगा कि ब्लड प्रेशर जैसे ही बढ़ेगा ठीक है ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा बैरोल सेप्टर कहाँ पे होते हैं हमारे बैरोप्टर होते हैं हमारे कैरोटिड बॉडी में और आयोटिक बॉडी में ठीक है ये आपको पता है कि वो कहाँ पे लोकेटेड होती हैं दे आर लोकेटेड इन द कैरोटिड आर्टरी एंड आर्च ऑफ अयोटा में हमें आयोटिक बॉडी और कैरोटिड बॉडी मिल जाती हैं तो बैरोप्टर हैं तो वो क्या करते हैं कि प्रेसर्स को सेंस करते हैं जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा तो वो क्या करेंगे वो भी एफरेंट नर्व सिग्नल्स भेजते हैं ठीक है थ्रू ग्लोसोफ्रेंजियल एंड बेगस नर्व ठीक है अब ये कहाँ जाएगा सिग्नल्स सेम वैसे ही ये सिग्नल कहाँ चला जाएगा कार्डियक कंट्रोल सेंटर में चला जाता है अब कार्डियक कंट्रोल सेंटर क्या करेगा ठीक है अब कार्डियक कंट्रोल सेंटर जो है वो न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टसोलिटेरियस को इंपल्स भेजता है या सिग्नल भेजता है और वो क्या करेगा फिर न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सोलिटेरिस जो है वो क्या कर देगा दैट इंक्रीज द टोन ठीक है तो वो बेगल टोन को इंक्रीज कर देगा जैसा कि हमें पता है कि बेगल टोन का मतलब हुआ कि पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम ठीक है क्योंकि पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम का कौन है नर्व मेन नर्व वही है राइट एंड लेफ्ट बेगस और ये बेगस नर्व क्या करती है ये करती है कार्डियो इनहिबिशन ठीक है बेगस नर्व करती है कार्डियो इनहिबिशन जब ये कार्डियो इनहिबिशन करती है तो क्या करेगी ये इंक्रीज अब न्यूक्लियस ऑफ सोलिटेरिस क्या है कि टोन को क्या कर रहा है वो टोन को इंक्रीज कर रहा है इट मीन्स दैट कि पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो ज़्यादा वर्क करेगा बेगलटोन का मतलब यही हुआ कि पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी बढ़ जाएगी इट मीन्स इट विल बी हैविंग अ कार्डियो इनहिबिटरी इन्फ्लुएंस ऑन द हार्ट रेट तो हार्ट रेट जो है वो कम हो जाएगी दूसरा काम क्या करेगा कार्डिय कंट्रोल करेगा कार्डिय कंट्रोल सिस्टम यह सिंपथेटिक अंक को क्या करेगा उसकी एक्टिविटी को कम कर देगा अब सिंपेथेटिक आउटफ्लो भी कम हो जाएगा जब सिंपेथेटिक आउटफ्लो कम हो जाएगा तो हार्ट रेट जो है वो डिक्रीज हो जाएगी मीन्स कार्डियो इनहिबिटरी इफेक्ट होगा कार्डियो इनहिबिटरी मीन्स नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट होगा पास बचा टेम्परेचर और टेम्परेचर का क्या है कि विद ईच डिग्री राइज ऑफ टेम्परेचर हार्ट रेट इंक्रीज टेन टाइम्स ठीक है तो जब भी टेम्परेचर जो है बॉडी का वो नॉर्मल कितना रहता है 98.6 रहता है अगर वो 98 से 99.6 और 100 हो जाए तो कितनी हार्ट रेट इंक्रीज़ हो जाएगी दैट विल इंक्रीज टेन टाइम्स फैक्टर्स आर ऑल्सो देयर लाइक लोकल मेटाबोलाइट्स होते हैं ठीक है वो भी हार्ट रेट पे इफेक्ट डालते हैं उनमें देखिए आप सोडियम है पोटाशियम है कैल्शियम है ठीक है वो भी हार्ट रेट को कभी ज़्यादा कर देते हैं कभी कम कर देते हैं ठीक है तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये मिसलेनियस फैक्टर्स हैं लाइक like एज है एज में देखिए जो बेगल टोन है वो कम हो जाती है तो बेगलटोन की इनहिबिटरी इन्फ्लुएंस होती है इट मीन्स दैट कि बेगलटोन कम हो जाएगी तो हार्ट रेट फास्ट हो जाएगी इसलिए जो हमारे ओल्ड पेशेंट्स हैं ठीक है जेरियाट्रिक पेशेंट्स हैं उनमें हार्ट रेट ज़्यादा रहती है वैसे फीमेल्स हैं उनमें जो टोन है वो कम रहती है इसलिए उनमें हार्ट रेट जो है वो ज़्यादा होती है ठीक है टोन कम होगी तो हार्ट रेट ज़्यादा होगी सो दीज आर द मिसलेनियस अदर फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेशन ऑफ द हार्ट रेट होपफुली आपको ये लेक्चर समझ आया होगा आई एक्सप्लेन ईच एंड एवरी एस्पेक्ट विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द रेगुलेशन ऑफ हार्ट रेट तो मैंने इसमें बताया है आपको होपफुली ये आपको समझ आया होगा एंड नेक्स्ट वीडियो में हम कार्डिक आउटपुट और स्ट्रोक वॉल्यूम के बारे में जानेंगे तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो और इफ़ यू फाइंड एनी थिंग इन दिस लेक्चर देन यू कैन लाइक दिस वीडियो एंड फॉर मोर वीडियोज़ एंड कॉन्टेंट लाइक दिस यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल थैंक यू thank <sweak> you